स्वास्थ्य विभाग मुरादाबाद जनपद में सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार काम करता आ रहा है। वहीं अवैध तरीके से चल रहे अस्पतालों पर भी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। इस उद्देश्य को लेकर कुनरकी पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा कुनरकी के KGN हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर दी गई। गुरुवार को कुनरकी पहुंचे नोडल अधिकारी KGN अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल संचालक से हॉस्पिटल के प्रपत्र मांगे, जिसको लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से कोई भी ऐसा प्रपत्र नहीं पेश किया गया जिससे लगता हो कि उनका ये अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड है। मौके पर कोई भी प्रपत्र ना दिखाए जाने के चलते नोडल अधिकारी द्वारा KGN हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के चलते हॉस्पिटल संचालनकर्ता बेबस नजर आए। नोडल अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए, जब तक स्वास्थ्य विभाग को उनके द्वारा अपने हॉस्पिटल के प्रपत्र नहीं दिखाए जाते तब तक हॉस्पिटल बंद रहेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भोली भाली जनता के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीजों की जान से खेल रहे हैं, अब ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जरूरी है कि अस्पताल का बिंदुवार प्रत्येक मानक पूरा हो। जिस डॉक्टर द्वारा अस्पताल को संचालित किया जा रहा है वो हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया हो, और जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं अस्पताल के द्वारा वो सब मानक पूरे किए गए हों, तभी उन अस्पतालों को शुरू किया जा सकता है। अगर कोई भी मानकों की अनदेखी करता है अथवा मरीजों की जान से खिलवाड़ करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विभाग कार्रवाई करेगा। बेसिकली कि जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की हुई है, जो कि पूरे जनपद में आज जितने भी अपंजीकृत और अपंजीकृत अस्पतालों को निरीक्षण किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में एक टीम मेरी भी है जिसमें आज KGN में वचन निरीक्षण के लिए मौजूद है। टीम पे कौन कौन लोग हैं सर? एक तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज मैंने यहीं से बुलवाया है, कुंदरकी से डॉक्टर सौरभ है। मैं स्वयं डॉक्टर संजीव कुमार बेलवाल है। हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर से भी मौजूद है, और एक हमारे फोर्थ क्लास और मेरी ड्राइवर, मेरी गाड़ी और एक गार्ड। आज कितने अस्पताल सील किए गए? मैंने तो अभी केवल एक ही का निरीक्षण किया है, बाकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टीमें। लगातार यहाँ पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अवैध क्लिनिक और अपंजीकृत अस्पतालों को बंद किया जाता, लेकिन कार्यवाही के बाद उसको सील तोड़ दिया जाता। स्वास्थ्य विभाग लगाता है, और कुछ जो लोग हैं वो अगर वो तोड़ लेते हैं, जब सूचना फिर से मिलती है तो उसके बाद दोबारा से भी पुलिस संबंधित पुलिस थाने को उसकी खबर दी जाती है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि मंगलवार को भी मुरादाबाद जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा एक स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बैठकर एक मीटिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि कोई भी अपंजीकृत अस्पताल अगर उसी परिप्रेक्ष्य में आज 5-6 टीमें बनाई गई हैं CMO द्वारा, वो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में आज तक कार्य रही है, और ये अभियान लगभग 7-8 दिन तक चलेगा।